हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे लुक टेक्नो सिस्टम चैनल पाने का। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो है मैं स्टील स्कैनर जो कि DRS ब्रांड का है, मैं अब इस मशीन का जो है बनाने वाला हूँ, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप इस अनबॉक्सिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैं पैकेट को ओपन करता हूँ। ये है दोस्तों, ये टैबलेट है, मिनी लैपटॉप इसमें होता है। मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये DRS कंपनी जो है मिनी लैपटॉप देता है। इसे आप टैबलेट भी बना सकते हैं। यहाँ से ओपन करके ये आप कीपैड जो होता है वो अलग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए टैबलेट है और ये कीपैड है। ये दोनों आप जो है चाहे आप टैबलेट ही यूज करें चाहे कीपैड लगा करके यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये है रिमोट जो स्कैन करता है और ये जैकेट है। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, सब ये ऑलरेडी लगाया होता है। तो आपको सिर्फ करना क्या होगा कि ये पीछे ये लॉन्ग लाइफ बैटरी होती है इसकी और ये सिस्टम होता है। तो सिर्फ आपको जो है ये यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। ये USB दिया गया है, दो आप कनेक्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ से मशीन को जो है ऑन कर दिया जाता है। ये ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपको यूज करना है और कैसे स्कैन करना है। ग्राउंड पर चल करके मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए इस जैकेट को जो है आप पहन सकते हैं, ऐसे आप पहन लीजिए। और ये देखिए इसमें लॉक लगा होता है, लॉक लगा लीजिए। ये मतलब ये रेडी हो गया। आप जो है ये यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर होता है, ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है। मैं इसको जो है क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये अब जो है मशीन रेडी हो गया है। यहाँ से जाकर के ये जहाँ पे फाइल दिख रहा है, ये फाइल है। आप जो है यहाँ से देखिए कनेक्शन सेटिंग है। अब कनेक्शन सेटिंग को जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से सर्च ऑर्डर और नंबर ऑफ प्लस अपने हिसाब से ये जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आप जिगजैग करना चाहते हैं या पैरेलल मोड में करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपको स्कैन करना है उसके बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। डिवाइस कनेक्ट हो गया है, ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। जैसे नीचे खाइया नीचे जिन जाए
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपको स्कैन करना है, ये देखिए इसका रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है डेप्थ भी शो हो जाता है, ये देखिए 1.32 मीटर। आप इसे एंगल से, आप जो है अलग अलग एंगल से देख भी सकते हैं इसे, ये देखिए। यहाँ से आप चाहें तो राइट फ्रॉम द टॉप, लेफ्ट टॉप और फ्रंट पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, ये यहाँ पर जो रेड कलर शो कर रहा है, ये मेटल्स है ये। तो दोस्तों, ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा डीपली में समझना चाहते हैं तो आप इसका जो है यूजर मैनुअल आप देख सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर शो होता है वो होता है कि मतलब ग्राउंड है, और जो ब्लू कलर शो होगा वो कैविटी होता है। ये रेड और येलो के बाद अगर कोई शेप में आ रहा है तो वो मेटल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा आपको डीपली में अगर आपको जाना है और आपको मतलब ये पता करना है कि मेटल कौन कौन सा है, तो आपको जो है वो यूजर मैनुअल में देख करके आप इसका पूरा नॉलेज ले सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।